चलो एक बारी अंदर हो के आज फिर करते हैं। अशोक गुप्ता को आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, जेजेपी समर्थित है और कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो गुप्ता जी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी, वोट पोल हो गया, दिखाना आप अपनी उंगली। ये गुप्ता जी ने भी वोट पोल अपना कर दिया है। गुप्ता जी, ओवरऑल अब क्या है? अब तो कह रहे हैं बीजेपी और जेजेपी समर्थित हो रहा है मुकाबला। मेरी जीत निश्चित है जी, पब्लिक बना चुकी है अपना और भगवान की कृपा से उनकी पब्लिक की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और पब्लिक मुझे जिताएगी, भारी बहुमत से जिताएगी। साइलेंट वोट मान रहे आप, साइलेंट वोट पड़ेंगे? मेरी साइलेंट वोट है, दिखावे की वोट नहीं है। जो बाहर के आदमी आए हुए हैं बीजेपी के, ये सब खरीदे हुए हैं, बाहर के आदमी आए हुए हैं, पर लोकल आदमी कोई नहीं है, लोकल आदमी कोई नहीं है, सब दिखावा करने वाली बात है, ड्रामा है। शहर से कोई भी नहीं बैठे इनके जो अपना पोलिंग? बहुत ही कम बैठे हैं जी, पोलिंग एजेंट बैठे हैं, लेकिन बाहर जो बूथों पर दिखावा कर रखा है, ये बाहर के आदमी है, लोकल कोई कम आदमी है। तो इस हिसाब से भी जीत का वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतलब वहाँ कम भीड़ है, बाहर के लोग बैठे हैं, आप माने कि ये भी एक जीत का दावा है आपका? देखो, पब्लिक मन बना चुकी है अपना, कहाँ वोट डालनी है कहाँ नहीं है, यहाँ दिखावे का कोई फायदा नहीं है इस बात का, और पब्लिक दिखावे पर नहीं जाती। उनको 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना है और वो देख के फैसला करेगी कि कौन कैंडिडेट बढ़िया है उनके लिए, कौन घटिया है। तो वो अपना मन बना चुकी है अपना, और मन बनाने से ही वोट देंगी मुझे। मेरी साइलेंट वोट हैं, वो दिखावे पर नहीं जाती, और मैं 15 दिन उनके बीच में रहा हूँ और पूरा समर्थन सहयोग उनको मिला है मेरे को। धरम सिंह चोकर कह रहे थे 60% में हम जीत रहे हैं, बाकी सारे जो है सारे 40% में हैं। देखो, अनगढ़ बातें हैं ये, तो इनका औचित्य नहीं है, उनको क्या पता पब्लिक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते दावे के साथ भी पब्लिक जो है ना वहाँ जा रही है। पब्लिक अपने मन में बात रखती है, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है और वो अपना मन बना के ही वोट देगी, वो सोच विचार के वोट देगी, और मुझे विश्वास है कि मुझे भारी बहुमत मिलेगा। संजय बेनीवाल दूसरे पे या तीसरे नंबर पे हैं? नहीं, ये तो बात नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे तीसरे की बात नहीं करता, मैं पहले नंबर पे हूँ। और ये जैसे बीजेपी सत्ता में है, जैसे खुद दावा कर रहे हैं, अभी कुछ साहब दावा कर रहे थे भी बीजेपी सत्ता में है तो काम करवाएंगे, तो इनका फ़ायदा होता नज़र आ रहा है इस चीज़ को? देखिए, हमारी सरकार भी जजब्बा भी सरकार का हिस्सा है, सरकार के अंदर है, वो बाहर से नहीं है, उनका भी अपना वाइस सीएम है हमारी पार्टी का, तो उनका तो काम करवाएंगे, पैसा लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये धर्म सिंह चोकर किस हिसाब पे दावा कर रहे हैं कि मतलब कांग्रेस का विधायक हूँ मैं, चेयरमैन मेरा बन गया तो भी करवा देंगे अपना विकास कार्य करवा देंगे, खुद को गारंटी मिल रही? पहले कौन सा विकास हुए हैं? पहले भी विकास नहीं हुए हैं, तो पहले विकास होते तो मुझे नजर आते, पब्लिक को नजर आते, तो 2.5-3 साल से कहाँ थे वो, तो ये बताइए अब कहाँ थे 2.5-3 साल से, विकास तो नजर नाम की कोई चीज़ संभाल कर हुई नहीं है, तो पहले भी उनका चेयरमैन था, आज कोई नई बात नहीं है। भर सिंह चोकर को कैसे देखते हैं? अच्छे आदमी है भर सिंह चोकर, और वो फैसला पब्लिक करेगी भाई कौन किसको क्या वोट देनी है क्या नहीं। आप आश्वस्त हैं पूरे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अशोक गुप्ता जी, जेजेपी समर्थित उम्मीदवार हमारे साथ हैं, आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि जो धर्म सिंह छोकर दावा कर रहे हैं वाइस ऑफ पानीपत के ऊपर कि उनका चेयरमैन बनेगा तो बहुत सारे विकास कार्य वो करवाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद अपने मुंह से कह के गए हैं कि अभी तक 5 करोड़ की ग्रांट जो है समालखा के लिए आई है, तो वो कैसे दावा कर रहे हैं कि विकास कार्य करवाएंगे? देखिए, अभी वोट पोलिंग चल रही है और समय अभी लगभग जो है 10 बजे के करीब हुआ है, और सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 22 तारीख को सुबह पता लग जाएगा, जब भी चुनाव 21 या 22 को जब भी रिजल्ट आ रहा है तो तब भी पता लग पाएगा कि असल में कौन नगर पालिका की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा है। फिलहाल आप सुबह से ही जो है वाइसो पानीपत पर लगातार समालखा का संग्राम जो है देख रहे हैं, भारी पुलिस बल भी जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। अभी थोड़ी देर बाद बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर दौरा करेंगे, और इस साइड आपको दिखा दें जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, और जाहिर तौर पर सभी जीत का दावा
कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि उनके जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर खड़े हैं। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।